एवरीवन. सो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज अ पोएम एंड द नेम ऑफ दिस पोएम इज बर्ड्स ऑफ पैराडाइज. तो ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज एक बर्ड है जो कि अब नंबर में काफ़ी कम हो चुकी है और ये एक्सटिंक्ट होने वाली है. ठीक है, लगभग ये एक्सटिंक्ट के कगार पे आ चुकी है. ठीक है, क्योंकि इसका शिकार बहुत हुआ और प्लस क्लाइमेट की वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई. और इसी तरीके से एक तो ये बर्ड है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं और ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमारे बीच में से अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं. ठीक है, और इसका रीज़न एक तो पोचिंग इज ऑल्सो देयर, पोचिंग लाइक हंटिंग देम. ठीक है, सेकेंडरी जो क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से भी मतलब इनकी डेथ बहुत ज़्यादा हो जा रही है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, तो फिलहाल इस चैप्टर में हमें ये जो पोएम है इसमें हमें पढ़ना है एक बर्ड के बारे में जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज. तो देखिए इसके फीचर्स हैं इसमें, गोल्डन विंग, सिल्वर विंग, विंग विद फ्लैशिंग फ्लेम, सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आई सॉ, बर्ड्स विदाउट ए नेम. गोल्डन विंग, सिल्वर विंग, ये जो बर्ड्स हैं इनके जो विंग्स हैं, पंख हैं इनके, वो गोल्डन कलर के भी हैं और सिल्वर कलर के भी हैं. विंग विद फ्लैशिंग फ्लेम, और इनके पंख ऐसे लगते हैं जैसे कि एक चमकने वाला कोई, एक चमकने वाली ज्वाला हो, एक चमकता हुआ फ्लेम हो. सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आई सॉ, मैंने एक बर्ड्स के का फ्लाइट देखा. फ्लाइट मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ठीक है, मैंने एक बर्ड्स का ग्रुप देखा और वो ऐसा था कि बर्ड्स विदाउट अ नेम, और वो ऐसा ग्रुप था कि वो बर्ड्स देखने में तो बहुत खूबसूरत थी बट मुझे उस बर्ड्स का नाम नहीं मालूम था. सिंगिंग सॉन्ग्स इन दियर ओन टंग, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम, और वो जो भी बोल रही थी बर्ड्स, तो उन्हें सुनकर ऐसा लगता था जैसे कि ये गीत गा रही हूँ, और ये गीत भी कोई आम गीत नहीं था. सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम, ठीक है, ये गीतों का भी गीत था. ठीक है, सो दे केम, और जब वे आती थी तो ये गीत सुनाई देता था. वन टू अनदर कॉलिंग, ईच आंसरिंग ईच, एक बर्ड दूसरे बर्ड को बुला रही थी, ईच आंसरिंग ईच, और हर बर्ड एक दूसरे बर्ड के कॉल करने का आंसर दे रही थी. वन टू अनदर कॉलिंग इन दियर प्रॉपर स्पीच, और ऐसा लगता था जैसे कि एक बर्ड दूसरे बर्ड को एक प्रॉपर स्पीच के जरिए, एक प्रॉपर लैंग्वेज में, ठीक है, बुला रही हो, एड्रेस कर रही हो. हाई अबव माई हेड दे व्हील्ड, फार आउट ऑफ रीच, वे मेरे सर से काफ़ी ऊपर व्हील कर रही थी, गोल गोल घूम रही थी, फार आउट ऑफ रीच, और वो मेरी पहुंच से बहुत ही ज़्यादा बाहर थी. ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम, ठीक है, वे जब आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वे फ्लेम के विंग्स लेकर आ रही हैं और जा रही हैं. विद अ कैडेंस क्लाइम, विद अ कैडेंस क्लाइम, और जब वे उड़ती थी, ठीक है, तो देखिए कैडेंस क्लाइम की मीनिंग यहाँ नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, अ रेगुलर पैटर्न ऑफ मेटलिक साउंड. ठीक है, ये जो क्लैंग है, तो क्लैंग ना मेटलिक साउंड को बोलते हैं, तो ये कैडेंस मतलब कि एक पैटर्न, एक साउंड का एक पैटर्न बन रहा था जब वे उड़ रही थी. अभी साउंड का पैटर्न जैसे आप कह लो जब पतंग आप उड़ाते हो तो उसमें जो फड़फड़ की जो आवाज़ आती है ना, तो वो एक पैटर्न में साउंड होता है. ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जब वे उड़कर आती थी और जाती थी तो एक मेटलिक साउंड प्रोड्यूस होती थी. दियर सिल्वर विंग्स टिंकल्ड, और जो इनके सिल्वर वाले पंख थे वे टिंकल करते थे. टिंकल क्या होता है, जो घंटी की बहुत हल्की हल्की सी आवाज़ होती है उसे टिंकल कहते हैं. एंड दियर गोल्डन विंग्स रैंग, और जो उनकी गोल्डन विंग्स थे वे रैंग होते थे, वो ज़ोर ज़ोर से मतलब उनसे जो आवाज़ आती थी वो लाउडर हुआ करती थी. द विंड इट विसल्ड थ्रू दियर विंग्स, और जब ये विंड से होकर गुजरती थी तो विंड से विस्लिंग की आवाज़ आती थी, लाइक समथिंग लाइक दैट, यू नो. देन लेट्स सी द नेक्स्ट पेज.